अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो व्यूअर्स, आई मोहम्मद अब्दुल हबीब वेलकम यू ऑल टू एम्स ट्यूटोरियल फॉर अकाउंट्स। इन दिस वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग द चैप्टर प्रिपरेशन ऑफ सब्सिडरी बुक्स फॉर इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स फॉर तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन। एंड द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अंडर जनरल प्रॉपर रेक्टिफाइंग एंट्रीज, चैप्टर 4, पेज नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 10। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एंट्रीज डेटेड ऑन 31st मार्च 2019। कमीशन पेड ₹4,000 रॉन्गली डेबिटेड टू इंटरेस्ट पेड अकाउंट। मतलब आप कमीशन पे कर रहे तो कमीशन पे करने की जो एंट्री रहती, बजाय वो लिखने के आप गलती से क्या करें, इंटरेस्ट पेड की एंट्री लिख लिए। नेक्स्ट, सेकंड ट्रांजैक्शन इज रेंट पेड टू रेड्डी ₹5,000 रॉन्गली डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। मतलब आप किराया बने तो बजाय एंट्री रेंट की लिखने के आप गलती से वेजेस की एंट्री लिख लिए। सो नो यू आर रिक्वायर्ड टू पास रेक्टिफाइंग एंट्रीज। सो हियर इज द फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर्स LF विच स्टैंड फॉर लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट रुपीज, क्रेडिट अमाउंट रुपीज, एंड द हेडिंग इज जनरल प्रॉपर दैट इज रेक्टिफाइंग एंट्रीज। यहाँ पे हेडिंग रेक्टिफाइंग एंट्रीज भी लिख सकते हैं आप। सो लेट अस डिस्कस द प्रोसेस फॉर राइटिंग रिकॉर्डिंग द रेक्टिफाइंग एंट्री। तो आप रेक्टिफाइंग एंट्री कैसा लिखते हैं? फर्स्ट, कमीशन पेड ₹4,000, तो उसकी जो जनरल एंट्री आती, इट इज एन एक्सपेंस, सो एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड। So the general entry will be debit all expenses and losses के हिसाब से, commission is the expense. So the general entry, what you are paying? Commission. So cash is going from the business. So the general entry will be commission account debit to cash account. ये correct entry थी जो आपको लिखना था, commission account debit to cash account. But आप wrong entry क्या लिखे, it has been wrongly debited to interest account. तो आप गलती से क्या करें, बजाय commission account debit to cash लिखने के आप क्या लिखे, interest account debit टू कैश अकाउंट, ये लिखिए आप। सो कमीशन टू कैश इज करेक्ट एंट्री, वेर एज इंटरेस्ट टू कैश इज रॉन्ग एंट्री। सो नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रेक्टिफाइंग एंट्री? रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री प्लस करेक्ट एंट्री। तो आपका प्रोसीजर क्या है, पहले जो रॉन्ग एंट्री है उसका रिवर्स कर लीजिए। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट वॉज द रॉन्ग एंट्री, तो जब आप उसको रिवर्स कर रहे, सो द जनरल एंट्री विल बिकम कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। सो दिस इज द रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री प्लस करेक्ट एंट्री क्या है आपकी, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए आप, कैश डेबिट में भी है, कैश क्रेडिट में भी है। सो दिस कैश ऑफ डेबिट साइड एंड दिस कैश ऑफ क्रेडिट साइड गेट्स कैंसल्ड। तो बचा क्या आपको, कमीशन जो डेबिट में है, इंटरेस्ट जो क्रेडिट में है। सो द रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी कमीशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो आप इसको जो है ना जनरल एंट्री में कैसा लिखेंगे, कौन सी डेट पे है वो, 19 मार्च 31st। सो द जनरल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड हियर एज कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, एंड द नरेशन विल बी बीइंग कमीशन पेड कॉमा wrongly debited to interest paid no rectified। मतलब आप जो कमीशन पे करे और जो गलती से इंटरेस्ट पेड को डेबिट दिए थे वो अभी रेक्टिफाई कर दिए आप। सो वॉट इज द अमाउंट, अमाउंट कितना था वो, 4,000। सो 4,000 विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड एज वेल एज 4,000 विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। नेक्स्ट, फॉर सेकेंड ट्रांजैक्शन द डेट इज सेम, मार्च 31st। तो सेकेंड ट्रांजैक्शन देखिए, रेंट पेड टू रेड्डी ₹5,000। तो आप क्या करें, किराया बन रहे रेड्डी साहब को, तो यहाँ पे किराया बन रहे, तो जनरल एंट्री क्या लिखेंगे आप, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये आपकी सही एंट्री थी, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री लिखना था।
बट आप गलती से क्या करें, रॉन्गली डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, तो आप गलती से क्या लिख लिए, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिख लिए. सो दिस वॉज द रॉन्ग एंट्री दैट वी हैव रिकॉर्डेड. सो वी हैव रिकॉर्डेड इट एज वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट व्हेन इट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड एज रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जबकि उसको रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखना था, बट हम गलती से क्या करें, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिख लिए. तो व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रेक्टिफाइंग एंट्री, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री प्लस रेक्टिफाइंग एंट्री, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री प्लस रेक्टिफाइंग एंट्री. तो पहले रॉन्ग एंट्री क्या लिखे आप, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश लिखे, तब आप इसकी रिवर्स एंट्री लिखेंगे, तब एंट्री पोस्टिंग क्या आएंगी, कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट प्लस, करेक्ट एंट्री क्या थी आपकी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो अब यहां पे कैश जो डेबिट में है और कैश जो क्रेडिट में है ये कैंसिल हो जाएगा, कैश एंड कैश गेट्स कैंसिल, तो बचा क्या, रेंट अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट. सो द रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी रेंट अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट. तो अब आप उसको यहां पे कैसा लिखेंगे, द एंट्री विल बी रिकॉर्डेड हियर एज रेंट अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट रेंट अकाउंट डेबिट रेंट अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट एंड द नरेशन विल बी रिकॉर्डेड एज बीइंग रेंट पेड रॉन्गली डेबिटेड टू वेजेस नो रेक्टिफाइड. सो आफ्टर दिस जनरल एंट्री जस्ट ड्रॉ ए लाइन. तो कितने का अमाउंट था, वो 5000 का अमाउंट था. सो 5000 विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड एंड 5000 विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड. होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक एंड होप यू हैव लाइक माई वीडियो. इफ यू लाइक माई वीडियो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एम्स ट्यूटोरियल फॉर अकाउंट्स. And if you are a new subscriber to my channel, don't forget to press the bell icon for further notifications. Do like my video, post your valuable comments and do share it with your friends, relatives and all. Your one share can help someone to learn something. See you all in next video. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.